नमस्कार दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे दूसरे चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में इस चुनाव को जीतने को लेकर प्रचार प्रसार और तेज हो चुका है। आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ इस ओपिनियन पोल में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, चुनाव नतीजों से पहले ही बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। लेकिन आपको बता दें, ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इससे एनडीए की नींद उड़ सकती है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है इस सर्वे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या सत्ता परिवर्तन होकर महागठबंधन की सरकार बन सकती है, या फिर क्या दोबारा से एनडीए ही सत्ता में लौट कर आएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव पूरा होने से पहले और नतीजे आने से पहले ही बिहार में नीतीश कुमार सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अविलंब यानी देर न करते हुए तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई है। जी आपको बता दें, मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए फायरिंग को लेकर मुंगेर सहित पूरे राज्य में तनाव व्याप्त है। अब राज्यपाल से मिलकर बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। और साथ ही मुंगेर गोली लाठी कांड में मृतक युवकों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला ने बताया कि राज्यपाल को पूरी घटना की जानकारी विस्तार से दे दी गई है। साथ ही इससे संबंधित एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया है। अब कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि तुरंत नीतीश और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को देर ना करते हुए बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, बिहार में दूसरे चरण के 94 सीटों को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें, 3 नवंबर को दूसरे चरण में 17 जिले की 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें, इसके लिए 1,464 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। जी आपको बता दें, पहले चरण के 71 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर जहां एक तरफ महागठबंधन ने दावा किया था कि इन 71 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 55 सीटें जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खाते में ढाई के अंक के अंदर ही उनके खाते में सीटें जा रही हैं। अब दूसरे चरण के चुनाव को लेकर एक बड़ा समीकरण निकल कर सामने आया है। जी आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन कराया गया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कराए गए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में यानी 94 सीटों पर एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, ऑनलाइन कराए गए सर्वे में पूछा गया था कि बिहार में दूसरे चरण के 94 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें, ऑनलाइन कराए गए इस सर्वे में 11,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। आपको बता दें, इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले में एनडीए 70+, महागठबंधन 22-, अन्य 2 सीट जिसमें 9% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में एनडीए 55+, महागठबंधन 37-, जिसमें 4% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में एनडीए 40-, महागठबंधन 50+, अन्य 4+-, जिसमें 10% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में एनडीए 20- सीट, महागठबंधन 70+ सीट और अन्य 4+- सीट, जिसमें 67% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। पांचवे में पूछा गया था कि इनमें से कोई आंकड़ा सही नहीं है, जिसमें 10% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। जी आपको बता दें, 67% लोगों ने माना है कि दूसरे चरण के 94 सीटों में से एनडीए के खाते में 20 से कम सीटें जा सकती हैं और महागठबंधन के खाते में 70 से भी ज्यादा सीटें जा सकती हैं। यानी कि इस सर्वे के मुताबिक दूसरे चरण में एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। 11,000 लोगों में से 67% लोग मानते हैं कि एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जाएंगी और वहीं 94 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 70+ सीटें जा सकती हैं। जी हां, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख
देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया था कि बिहार में दूसरे चरण के 94 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, जिसमें 5 ऑप्शन रखा गया है। सबसे ज्यादा एनडीए 20 माइनस महागठबंधन 70 प्लस को 67% लोगों ने वोटिंग की है। हालांकि आपको बता दें, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कराया गया एक जनरल सर्वे है, जिसमें कई राज्यों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें बिहार के कितने लोग शामिल हैं यह बता पाना काफी मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस आंकड़ों के मुताबिक 94 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि दोनों पार्टियां यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दावा कर रही हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में भी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे चरण के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, बिहार की कुल 243 सीटों को लेकर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए कहा है कि महागठबंधन को 172 से भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं। जी आपको बता दें, बिहार में इस समय राजनीति जिस तरह से बदल रही है और बदलती हुई दिख रही है, उससे अब राजनीतिक दलों में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ठग बंधन बनाया है, इससे बिहार को लोगों को छला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को जेडीयू को अलग कर देगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी आपका साथ देना चाहे तो क्या आप तैयार हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए सुरजेवाला का कहना है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट पार्टी यानी महागठबंधन बिहार के 243 सीटों में से 172 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है। सुरजेवाला का कहना है कि इस तरह से हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यह दावा कितना सच साबित होता है यह तो 10 तारीख को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पहले चरण के चुनाव के दौरान ही महागठबंधन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 71 सीटों में से 55 सीटें जीतने का दावा किया है, और साथ ही ये भी दावा किया है कि एनडीए अंकों में सिमट कर रह जाएगी। जी दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बिहार की 7 सीटें जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू का समीकरण बिगाड़ रही है। जी आपको बता दें, सरकार बनाने में कटिहार जिले की 7 सीटों के परिणाम ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बार एनडीए और महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे ने सभी सीटों के समीकरण को उलझा दिया है। कांग्रेस जहां बाहरी बनाम स्थानीय के जंग में फंसी हुई है, तो वहीं जेडीयू की परेशानी लोजपा ने बढ़ा दी है। संघ से जुड़े रहे भाजपा के 3 कद्दावर नेता लोजपा के टिकट पर उन्हीं के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें, बीते विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी से गठबंधन का सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को मिला था। मजबूत संगठन और मजबूत चेहरे के अभाव के बावजूद पार्टी जेडीयू आरजेडी समर्थक मतदाताओं के समर्थक की बदौलत 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसी प्रदर्शन के दम पर इस बार 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, मगर इस बार कदवा और प्राणपुर सीट पर बाहरी उम्मीदवार के सवाल पर पार्टी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिले की 3 सीटों पर जीत के कारण कांग्रेस विधायकों को एंटी इनकम्बेंसी का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। आपको बता दें, बीते 30 साल से इस जिले की 6 सीटों पर मुख्य प्रभाव आरजेडी और भाजपा का रहा है। एकमात्र बलरामपुर की सीट पर भाकपा माले और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर होती रही है। हालांकि इस बार एनडीए में 3-3 सीटें और 1 सीट वीआईपी के हिस्से में गई है। इसी तरह से देखा जाए तो महागठबंधन में भी 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 आरजेडी और 1 सीपीआई माले के हिस्से में गई है। वहीं कदवा और बरारी सीट पर भाजपा के कद्दावर नेताओं ने लोजपा के टिकट पर चुनौती पेश कर दी है। अब जिले के अपने हिस्से की 3 सीटों पर जेडीयू मुश्किल में है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सीधे और परोक्ष तौर पर लोजपा उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि इन सभी 7 सीटों पर जेडीयू की काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए नेता ही लोजपा और अन्य दलों में शामिल होकर या फिर निर्विरोध ही खुद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू प्रत्याशी के टक्कर में खड़े हो गए हैं। अब इन बागियों के कारण ही माना जा रहा है कि इन सब 7 सीटों पर एनडीए की काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि पिछले चुनाव में इन जिलों में महागठबंधन का पलड़ा भारी था। तब कांग्रेस को 3, सीपीआई माले आरजेडी को 1-1 और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 2 सीट आई थी। अब महागठबंधन के सामने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, जबकि एनडीए के सामने पुराना दमखम दिखाने की चुनौती है। बढ़ते हैं अगली
बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता दें, बिहार के दूसरे चरण के चुनाव के साथ मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए कहा है कि हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अब केवल 48 घंटे का ही समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का ताल ठोक रहे हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे की पार्टी में सेंधमारी का भी दावा कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सचिन यादव ने दल बदल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही मध्य प्रदेश में झटका लगने वाला है। दरअसल कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सचिन यादव अशोक नगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। सचिन यादव समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो सभी जल्द ही हमारे साथ होंगे, यानी हमारा साथ देंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिसके हिसाब से बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। अब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद भी विधानसभा सीटों की स्थिति 229 ही रहेगी। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में अब 115 हो गया है, क्योंकि आपको बता दें दमोह के विधायक जो कि कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले कांग्रेस के पास 88 सीटें थी, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पास यह संख्या घटकर 87 हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 107 विधायक हैं, बसपा के पास 2, सपा के 1 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 4 है। अब मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जो 28 सीटों पर उपचुनाव रहे उसमें कांग्रेस को बहुमत के लिए कुल 28 सीटें जीतनी होंगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को इन 28 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए महज 8 सीटों की जरूरत है। यदि कांग्रेस कुल 28 सीटों पर चुनाव जीतती है तब जाकर कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा होगा। और वहीं दूसरी तरफ यदि भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 सीटें जीत लेती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। हालांकि जहां एक तरफ हर जनसभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से 27 सीटें कन्फर्म रूप से जीत रही है और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई बार मध्य प्रदेश के सर्वे का भी आंकड़ा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस कुल 28 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हालांकि यह सर्वे किस आधार पर किया जाता है इस पर कभी स्पष्टीकरण जारी नहीं की गई। हालांकि किसके दावे कितने सही होते हैं, 10 नवंबर को सभी 28 सीटों पर नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें।